अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी ज़िशान अहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। तो क्लास आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉन्टिजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कुछ करना या कुछ ना करने के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और इसका कनेक्शन होता है कुछ फ्यूचर हैपनिंग्स के साथ या नॉन हैपनिंग्स के साथ। तो इसके साथ ही इसकी कुछ और एक और डेफिनेशन है कोलैटरल इवेंट्स की। और कोलैटरल इवेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊँ। कोलैटरल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो म्यूचुअल कनेक्टेड होते हैं। म्यूचुअल कनेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड कोलैटरल इवेंट्स। मतलब एक इवेंट अगर हैपन होगा तो उसके साथ दूसरा इवेंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा और वो भी साथ उसकी भी हैपनिंग होगी। अच्छा, इनफैक्ट जो कोलैटरल इवेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं, बट ये कंसिड्रेशन का पार्ट नहीं होते। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, और ये जो कोलैटरल इवेंट्स होते हैं ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो इसकी एग्जाम्पल में लेट्स सपोज हम आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल गिवन है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹1,000 टू बी इफ़ बी मैरिज सी, इट इज़ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब अगर ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि मैं आपको ₹1,000 दूंगा अगर आप जो है शादी करेंगे सी से, मतलब ये अब कोलैटरल इसमें है कि अगर वो उसे 1,000 तब देगा जब वो एक सेकेंड इवेंट हैपन होगा। तो ये इसके कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल की हम बात कर लिए हमने। इसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इनकी परफॉर्मेंस किस तरह से हम देखते हैं, और ये इवेंट्स जो है इनकी हैपनिंग नॉन हैपनिंग के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ये क्या कंडीशन होती हैं या क्या रूल होते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। हैपनिंग ऑफ इवेंट्स में कि हम देखते हैं कि ये फ्यूचर में ये इवेंट्स होने जा रहे हैं जो ये पॉसिबल हैं भी या नहीं है। तो सबसे पहले इनकी पॉसिबिलिटी देखी जाती है, और जब तक ये इवेंट पॉसिबल नहीं होता ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। तो जब ये इवेंट पॉसिबल हो जाएगा या ये वैलिड हो जाएगा या ये वाइड हो जाएगा, इनमें से दोनों में से एक कंडीशन हो जाएगी इनमें, तो इसको हम पहली एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं जिसमें ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹1,000 टू बी इफ़ बी मैरी टू सी। तो अगर इसमें मतलब डेथ हो जाती है एक पर्सन की, सी की डेथ हो जाती है, तो इन दिस केस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और इसी तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद सेकंड है नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स में क्या होता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूचर में नॉन हैपनिंग पे बिलीव किया जाता है, और जो यूजुअली इवेंट हैपन नहीं होते उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल है कि अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ कि फला जो शिप है ये वापस नहीं आएगा और ये डूब जाएगा, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होगा जब वो शिप वाकई डूब जाएगा। और उसी की एक एग्जांपल भी इधर आपके बुक में गिवन है। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से तभी वैलिड होते हैं। तो जो ये नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन फ्यूचर कंडक्ट। तो फ्यूचर में किस तरह से हम इसे देखते हैं कि मोस्टली ये इवेंट्स तब डील किए जाते हैं फ्यूचर हैपनिंग्स में, ये कुछ सब कुछ हो रहा होता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ देखा जाता है। तो इनका पास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी पे बिलीव किया जाता है, और ये इसके होने या ना होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसी फर्स्ट एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं जो सबसे पहले हमने दी है कि अगर ए एग्री करता है कि मैं बी को पैसे दूंगा जब वो शादी करेगा सी से, और सी शादी कर लेता है डी से, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा फ्यूचर में। इस तरह की वैलिडिटी ये वैलिड नहीं होगा। ये उस टाइम वैलिड होगा जब सी अगेन डी के डेथ के बाद
शादी करेगा, तो एक इवेंट उससे पहले अकर हो गया, तो ये फ्यूचर कंडक्ट को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी और नॉन वैलिडिटी देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम, विद इन जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज के अंडर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली, तो इसमें जो भी इवेंट लाइक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से कोई भी मुआहदा किया जाता है वो एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, वो उस टाइम लिमिट के ड्यूरेशन के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप लाइक उस ड्यूरेशन के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लेम करते हैं या उसकी लाइक उसे चैलेंज करते हैं कहीं कोर्ट में, तो उसकी लाइक कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं है। और इसी तरह से लाइक जो नॉन हैपनिंग है वो भी विद इन फिक्स टाइम पीरियड होनी चाहिए, कि जो फला नॉन हैपनिंग इवेंट है वो भी उसकी भी एक ख़ास एक मुद्दत होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक लाइक शिप यहाँ से चला है वो पूरी लाइक 100 साल के लिए ही नहीं डूबेगा, कभी ना कभी लाइक ये हैपनिंग हो सकती है, ये कंटिजेंसी हो सकती है। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं इसमें टाइम का तयन लाजमी है, तो टाइम इसमें लाजमी लाइक फिक्स होगा और उसके अकॉर्डिंग हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन किया जाएगा। इसमें जो लास्ट रूल है परफॉर्मेंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का वो ये है कि हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, हम ये कॉन्ट्रैक्ट लाइक तब करेंगे जब पॉसिबल पॉसिबिलिटी होगी इवेंट की, अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो ये वॉइड हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ज़रूरी है इन केस, वरना इवेंट जो है या वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम किसी को ऐसी चीज़ के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकते और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसमें वो काम पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये कुछ शराइत थी या कुछ लाइक रूल थे जिससे परफॉर्मेंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंस आपको पता चली, और लाइक ये कब कब हैपन हो सकता है और क्या क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं ये हमने डिस्कस किया है इसमें जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिजेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, और ये किन किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है हर सूरत में, और इसकी फ्यूचर हैपनिंग पे इसकी वैलिडिटी होती है या नॉन हैपनिंग पे इसकी वैलिडिटी होती है। बट वेजरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस तरह के एग्रीमेंट जो हैं वो एब्सोल्यूट वॉइड हैं, मतलब इनकी कोई कानूनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ये वॉइड है टोटली। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले कॉन्टिजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसकी फ्यूचर हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर बोथ के ऊपर पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है। बट इन केस ऑफ वेजरिंग बेटिंग अमाउंट को हमेशा देखा जाता है, और विनिंग और लूज जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसकी कोई लाइक रियल टाइम इम्पोर्टेंस या इंटरेस्ट नहीं होता पार्टीज का इसमें। उसके बाद थर्ड जो इसकी क्लॉज है वो है अनसर्टन इवेंट, ये दोनों इवेंट हैं तो अनसर्टन, बट जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट हैं ये कोलेटरल फॉर्म में होते हैं, कोलेटरल इवेंट्स की फॉर्म में होते हैं, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज़ को देखा जाता है, विन और लूज को जब देखा जाएगा तो ये एक सोल फैक्टर देखा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होता है। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें यकसानियत होती है, सबके लिए इक्वालिटी और जस्टिस होता है, तो बोथ पार्टीज इसमें लाइक अपने राइट के लिए जो है वो अपने राइट के लिए कर सकते हैं, काम कर सकते हैं अपने राइट को हासिल करने के लिए, और इसमें कानून भी दोनों को बराबरी से देखता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि इस तरह से कि एक पार्टी फाइल करे, बोथ पार्टी अपने लाइक राइट्स को या अपनी ओब्लिगेशन को फुलफिल करती हैं, और उसकी कुछ लाइक सरकमस्टांसिस हैं, उन सरकमस्टांसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या इनवैलिड होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज,
सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में ये है कि अगर कोई इनकॉम्पिटेंट या इन कैपेबल पर्सन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है या उसे सपोर्ट करता है और वो लाइक जो उसकी अकॉर्डिंग उसे नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो पर्सन जो है वो उसे पे किया जाएगा या उसे रीइंबर्समेंट की जाएगी उस पेमेंट की। और इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये किन किन सरकमस्टांसेस में वैलिड हो सकती है। तो उस तरह के लोग जो माइनर हैं या अनसाउंड माइंड लाइक अनसाउंड माइंडेड हैं, उस तरह के लोग अगर इन्हें नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाती हैं तो और वो लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन इसके लिए ये है। और सेकंड कंडीशन इसमें ये है कि बोथ पार्टीज जो हैं वो लीगली जो हैं वो बाउंड हो जाती हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करेगी। और इसमें जो नेक्स्ट है वो पॉइंट वो ये है कि नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करनी है, हम लग्जरीज़ की बात नहीं करते। तो जो चीज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है वो उसे प्रोवाइड करे और लग्जरीज़ की तरफ नहीं जाना। और इसके लिए कुछ रीज़नेबल प्राइसेस का होना लाजमी है। ये नहीं है कि आप उस इनकम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी से उससे भी ज़्यादा मालियत की चीज़ें उसे दे दें, तो इससे उसके अकॉर्डिंग ही आपने रीज़नेबल प्राइसेस में ही चार्ज करना है और इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना। तो ये जो पर्सन इनकॉम्पिटेंट है या इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप ये खुद लायबल नहीं होगा। आप उसकी प्रॉपर्टी में से टू समहाउ वो शेयर करवा सकते हैं, अदरवाइज ये पर्सनली लायबल नहीं होगा बिकॉज ही इज़ इनकॉम्पिटेंट और इनकैपेबल टू परफॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट ये है कि इसके लिए ये शर्त होना ज़रूरी है कि उस इनकैपेबल या इनकॉम्पिटेंट पर्सन के पास वो चीज़ या वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है जो आप उसे दे रहे हैं। ये नहीं कि ऑलरेडी उसके पास वो चीज़ वाफिर मकदार में है और आप भी उसे वो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके पास वो चीज़ ऑलरेडी नहीं होगी देन आप उसे प्रोवाइड करेंगे, तो ये कंडीशन लाजमी है इसमें। इसकी एग्जाम्पल भी गिवन है, वो भी आप लोग देख सकते हैं और उससे भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कौसी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में कि क्या कंडीशन लाजमी है। तो इसमें एग्जाम्पल मैं एक आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। ए सप्लाइज बी अ माइनर विद नेसेसरी ए सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ए इज़ इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम बीज़ प्रॉपर्टी, तो इस कंडीशन में वो बी की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। तो इसके बाद सेकंड है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तो ये क्या है, तो ये वो अमाउंट है जिसमें एक पर्सन अगर इंटरेस्टेड पर्सन वॉलंटियरली ये एक्ट परफॉर्म कर देता है और वो पेमेंट कर देता है, तो इसके बाद वो किस तरह से इसे रीइंबर्स करता है और किस तरह से आगे फर्दर कंडीशन होती हैं, तो इसमें भी फर्दर कुछ लाइक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि अगर कोई पर्सन म्यूचुअली इस तरह से लाइक जाता है और उसकी पेमेंट कर देता है, तो वो किस तरह से अपने राइट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, उसके पास उसके लिए ऐसा क्या है जो जिस इंटरेस्ट के लिए वो गया है। उसके बाद सेकेंडली ये होगा कि जो पर्सन इस पेमेंट के लिए लाइक जिसने ये पेमेंट की है वो लीगली बाउंड है उसे पे करने का या नहीं है। और इस कंडीशन में मोस्टली ये होता है कि वो लीगली बाउंड नहीं होता। उसके बाद थर्ड कंडीशन में एक ऐसे पर्सन का होना भी लाजमी है जो लीगली बाउंड हो उसे पे करने के लिए। और सबसे लास्ट में वो ऐसा पर्सन जो जो कोई पेमेंट कर सके उस लाइक उसके लोन की या जो उसने अपने डेट्स देने हैं उसकी, तो इस तरह का कोई पर्सन वहाँ अवेलेबल होना चाहिए जो ये एक्ट परफॉर्म करेगा। तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी यहाँ पर गिवन है कि बी ने अगर कोई इम्पोर्टेड चीज़ें मंगवाई हैं फॉरेन कंट्री से और उसने ए के वेयर हाउस में स्टोर कर दी हैं और इसने कस्टम पे नहीं किया, और जब कस्टम अथॉरिटीज़ ने वो चीज़ें रिकवर की हैं या वो ड्यूटी रिकवर की है वो ए से कर ली है, और अब ए ने जो फर्दर आगे रिकवरी करनी है वो बी से करनी है, तो इस तरह की कंडीशन में ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो इसमें थर्ड पॉइंट है कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट्स। नॉन ग्रेशियस एक्ट्स का मतलब है, ग्रेशियस एक्ट का वैसे मतलब होता है कि बिला मुआवजा या वॉलंटियर सर्विसेज देना,
बट जब नॉन ग्रेशियस एक्ट्स की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना बामुआवजा सर्विसेज होंगी या बामुआवजा कुछ आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं बट रिस्पेक्टफुल मैनर्स में कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि नॉन ग्रेशियस एक्ट्स की जो है वो पेमेंट लेटर ऑन वो पर्सन करता है जो इसके इससे बेनिफिट लेता है या इसे इंजॉय करता है। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कि जो नॉन ग्रेशियस एक्ट हैं उसमें लॉफुली जो है वो चीज़ें या वो गुड्स जो है वो डिलीवर की जाएंगी। और इसमें सेकंड ये है कि कोई पर्सन अगर ये एक्ट परफॉर्म करता है वो इसे बिला मुआवजा नहीं परफॉर्म करता, वो इसकी कुछ लाइक मुआवजा होता है उसको देखते हुए वो ये एक्ट परफॉर्म करता है। और जो अदर पर्सन होता है वो इसे इंजॉय भी कर रहा होता है इन सर्विसेज को या इन गुड्स से, वो कोई ना कोई बेनिफिट जो या इस्तफादा हासिल कर रहा होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं किसी के घर को आग से बचाता हूँ तो ये ग्रेशियस एक्ट या वॉलंटियर एक्ट कहलाता है। और इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे वो कंपनसेट करेगा, और बनता भी नहीं है उसका कंपनसेट करना, ये एक वॉलंटियर एक्ट है। इसी तरह से अगर कोई कूली है वो अगर स्टेशन पे किसी का लगेज उठा लेता है और उसे जो लाइक नेक्स्ट पर्सन होता है जिसका ये लगेज होता है वो नहीं रोकता और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता इस चीज़ पे, तो उसे चाहिए कि वो पेमेंट भी वैसे ही करे क्योंकि उसने उसे रोका ही नहीं है वो लगेज उठाने से और इंटेंशनली वो ये बेनिफिट लेना चाहता था, तो उसकी पेमेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर वो पर्सन होता है जिसे किसी की कोई लाइक चीज़ मिली है और उसका ओनर कोई और है और उसे वो अपनी कस्टडी में सेव कर लेता है और उस चीज़ की टेक केयर करता है। तो इसकी कुछ लाइक ड्यूटीज़ भी होती हैं और टू समहाउ फाइंडर के कुछ राइट्स भी होते हैं। सबसे पहले ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली ड्यूटी और प्राइमरी ड्यूटी किसी भी पर्सन की ये है कि जब उसे किसी की कोई चीज़ मिलती है तो उसे चाहिए कि उसका रियल ओनर तक उसे पहुंचाए और उसके रियल ओनर को फाइंड करे। उसके बाद उन चीज़ों को अपने पर्सनल यूज़ में नहीं लाना चाहिए। और फिर अगर वो चीज़ें उसका ओनर फाइंड कर लिया जाए तो उसको उसके हैंड ओवर कर देनी चाहिए और इनकी रीजनेबल टेक केयर करनी चाहिए। और इनका लाइक अगर कोई पेरिशेबल गुड्स हैं और इस तरह से वो चीज़ें ख़राब होने का ख़तरा है तो उन्हें प्रिजर्व कर लें। तो इसी तरह से इसके कुछ राइट्स भी हैं। सबसे पहला राइट उसका ये है कि वो अपनी तहवील में रख सकता है वो चीज़ें माँ सिवाय ओनर के, किसी और को नहीं दे सकता, अपनी तहवील में वो रख सकता है। उन चीज़ों के ऊपर अगर कुछ लाइक एक्सपेंसेस आए हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए या फाइंडर जो है रियल ओनर को फाइंड करने के लिए, तो फाइंडर जो जितने भी एक्सपेंस ये पे करता है तो उसकी रिकवरी लाजमी है, उसे उसका राइट है कि उसे लाइक उसकी पेमेंट की जाए। अगर उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी तो उसका ये भी राइट है कि वो सारी चीज़ें जितनी भी उसके पास अवेलेबल हैं वो तब तक वापस नहीं करेगा जब तक उसके एक्सपेंसेस रिकवर नहीं होंगे। अगर जो ऑनर है उसने कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट की थी कि वो पे करेगा जो फाइंड करेगा उसकी चीज़ें, तो अगर तो ऑनर लाइक वो उसका जो रिवार्ड है या जो चीज़ें उसने ढूंढी उसका इनाम उसे नहीं देगा तब तक वो चीज़ें उसको नहीं दे सकता और वो उसके अगेंस्ट सू भी फाइल कर सकता है। तो जब तक उसे फाइंडर को वो रिवार्ड नहीं मिलेगा जो अनाउंस किया है ऑनर ने, तब तक वो उसकी चीज़ें अपनी तहवील में रख सकता है। अगर फाइंडर को कुछ ऐसा नुकसान फेस करना पड़े जो मतलब लाइक जब उसने उसकी चीज़ें फाइंड करके अपनी पोजेशन में ली हैं और उससे उसे डैमेज हुई है, उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है या कुछ उसकी ऐसी लाइक कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी उसकी चीज़ है जो डैमेज हुई है, तो उसकी भी रिकवरी वो कर सकता है, फिर जाके वो उसकी चीज़ें उसे रिटर्न करेगा। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं उन सिचुएशंस में वो लाइक ऑनर को बगैर बताए वो चीज़ें बेच भी सकता है। वो सरकमस्टांसेस इस तरह से हो सकते हैं कि अगर कोई पेरिशेबल गुड्स हैं और वो ख़राब होने का ख़तरा है तो उन्हें सेल कर सकता है। और अगर उन चीज़ों को सेव करने पर उनकी मालियत के लाइक 2/3 अमाउंट या वैल्यू उसने फाइंडर ने उस पर लगा दी है
तब भी वो उसे सेल कर सकता है। अगर तो ओनर उसका उसके उसके पेमेंट उसको पूरी नहीं करता, देन उसे अलाउ है कि वो उसे सेल कर दे आगे फर्दर। और ओनर को काफ़ी लाइक ढूंढने के बाद अगर वो नहीं मिलता, देन जो फाइंडर है वो उसे सेल कर सकता है। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, उसने उसे पूरी ऑनेस्टी से फाइंड किया है और वो इसका जो रियल ओनर था वो नहीं मिला। इस केस में वो लाइक कमोडिटी या वो चीज़ें सेल कर सकता है। कोसी कॉन्ट्रैक्ट में जो लास्ट जो इसकी टाइप है वो है मिस्टेक और अंडर कॉशन। तो मिस्टेक और अंडर कॉशन में सबसे पहले इस तरह से है कि अगर कोई इस तरह की अमाउंट जो गलती से या जबरन किसी को पे की जाती है और किसी को इससे बेनिफिट होता है, तो बेनिफिशरी को चाहिए वो पेमेंट या वो बेनिफिट रिटर्न करे, क्योंकि वो उसे अलाउ नहीं है उसका यूज़ करना। तो मैं एक बड़ी कॉमन एग्जांपल दूंगा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में या इंडिया के पर्सपेक्टिव में। मोस्टली जो किसी को डरा धमका के भत्था लिया जाता है, ये अंडर कॉशन आता है। तो इसे कोई इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता, कोई बेनिफिट इससे आप नहीं ले सकते। ये आपने दोबारा रिटर्न करनी है इस तरह की पेमेंट। आपका जो कंट्री का लॉ है ये आपको प्रोटेक्ट करता है इस केस में, कोई आपसे अंडर क्वेश्चन जो है कुछ बेनिफिट या कोई अमाउंट रिसीव करने का अहल नहीं है। तो आज के लेक्चर से आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि कंटिजेंट या कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और इनकी फर्दर आगे क्या कंडीशंस या सिचुएशन हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है आपको जस्टिफाई करने की, क्लियर करने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड आपने की होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।